सुप्रभात बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 के विषय कलरों में वर्णित सरिता कविता का गायन करेंगे, जिसके रचयिता गोपाल सिंह निफाली जी हैं, जो कि एक प्रकृति प्रेमी कवि थे। बच्चों, प्रकृति प्रेमी का अर्थ समझते हैं? इसका अर्थ होता है जिसे प्रकृति से प्रेम हो, जिसे पहाड़, नदियां, झरने, जिसे चिड़ियों का चहचहाना, भौरों का गुनगुनाना, पत्तों की शरशराहट में भी संगीत महसूस हो, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं वो कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बच्चों, तो बच्चों मेरे साथ गाने के लिए तैयार है ना? आइए शुरू करते हैं। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिंगिर के ही से निकल निकल, यह विमल डोरी शाही का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर 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 की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चल कर दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वश धा का अंतस्थल यह लघु सरिता का बहता जल, हिम के पत्थर से पिघल पिघल, बंगल धरा का वारी बिना, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल का भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल, यह लघु सरिता का बहता जल कितना निर्मल कितना कोमल, यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वह अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल यह लघु सरिता का बहता जल, यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल। तो बच्चों, सुनकर आनंद आया। देखिए, आपकी कविता सुन के चिड़िया भी चहचहाने लगी। बच्चों, अभी तो हमने कविता सुनी है, अब हम इसके अर्थ को भी समझेंगे। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दोधिशा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल, इस छोटी नदी का बहता हुआ जल कितना शीतल और साफ है, हिमालय पर्वत के बर्फ के पिघलने से जो जल निकल रहा है वह दोधिशा शुद्ध है, यह कल कल छल छल की आवाज करता हुआ तन मन को चंचल विह्वल किए हुए इस छोटी सी नदी का बहता जल बह रहा है, ऊंची शिखरों से उतर उतर गिर 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 की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंत स्थल यह लघु सरिता का बहता जल, यह नदी ऊंची शिखरों से उतरकर पर्वत की चट्टानों पर गिरते हुए कंकड़ों पर होते हुए दिन भर रात भर जीवन भर निरंतर इस धरती का अंतस्थल हो रही है, इस छोटी सी नदी का बहता हुआ जल, हिम के पत्थर से पिघल पिघल, बन गए धरा का वार विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल,
नित जल का भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल। ये बर्फ पत्थरों से पिघल कर धरती पर जब आती है तो शुद्ध जल का रूप लेती है, जिसे आने जाने वाले पथिक अपने हाथों में अंजलि बनाकर पीते हैं, जिससे वो सुख प्राप्त करते हैं। यह मीठा जल कितना शीतल है, इस छोटी सी नदी का बहता हुआ जल। कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वह अंत स्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल। गंगा यमुना सरयू निर्मल यह लघु सरिता का बहता जल। इस धरती का हृदय कितना कोमल कितना ममतामयी है, इस धरती पर शीतल जल युगों युगों से निरंतर बह रहा है। यही जल तो गंगा यमुना सरयू है, इसी से सारी नदियां बनी हैं। इस छोटी सी नदी का बहता जल यही तो जीवन है। बच्चों, आपने कविता को पढ़ लिया और उसके अर्थ को समझ लिया। आइए अब पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, क सरिता का जल कहाँ से आता है? उत्तर, पहाड़ों की बर्फ पिघलने से जो पानी बनता है वहीं से सरिता का जल आता है। प्रश्न क्रमांक ख, सरिता का जल रात दिन बहते हुए कौन सा कार्य करता है? उत्तर है, सरिता का जल रात दिन बहते हुए पृथ्वी के अंतःस्थल को धोता है। प्रश्न क्रमांक ग, पथिक सरिता के जल से किस प्रकार सुख पाता है? उत्तर, पथिक सरिता के जल को पीकर तृप्त होता है और इस प्रकार सुख पाता है। प्रश्न क्रमांक घ, कवि ने जननी के अंतःस्थल को कोमल क्यों कहा है? उत्तर, जिस प्रकार माँ के हृदय में प्रेम बहता है उसी प्रकार धरती के भीतरी भाग हृदय में जल के अविरल स्रोत बहते हैं, इसलिए कवि ने जननी के अंतःस्थल को कोमल कहा है। प्रश्न क्रमांक अंग, सरिता के जल को तन का चंचल क्यों कहा गया है? उत्तर, जिस प्रकार चंचल व्यक्ति स्थिर नहीं रहे उसी प्रकार पहाड़ों से उतरती हुई नदी का जल उछलता कूदता रहता है, इसलिए कवि ने सरिता के जल को तन का चंचल कहा है। प्रश्न क्रमांक दो, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क, तन का चंचल मन का विह्वल यह लघु सरिता का बहता जल। इसका भाव है, उछल कूद कर बहने के कारण सरिता के जल को तन का चंचल और मन का व्याकुल कहा गया है। ख, दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतःस्थल। सरिता का जल जीवन भर दिन और रात धरती के हृदय को धोता रहता है। ग, नित जल कर भी कितना शीतल, सरिता का जल सूर्य की धूप में जल कर भी शीतल रहता है। घ, बहता रहता युग युग अविरल, सरिता का जल युगों युगों से निरंतर बह रहा है। ठीक है बच्चों, आप अपनी कॉपी में इसको प्रश्न उत्तर को उतार लेंगे। थैंक यू।